कहते हैं हर कर्म के फल हमें इसी जन्म में मिलने हैं, फिर चाहे वो देर सवेर क्यों ना हो। इस सत्य कहानी को पूरी सुनने के बाद, ये घटना समझने के बाद आपका मानना इस पे और अधिक हो जाएगा। यह आज की सत्य घटना आरती जी की है, जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है। बचपन से ही उन्हें पूजा पाठ का बहुत शौक था, लेकिन जीवन में जो चाहो वैसा हो जाए तो फिर और क्या इंसान चाहे। बताती हैं कि शादी से पहले ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। वो भी गंगा घाट पर स्नान करने गए थे और उनकी गाड़ी पलट गई, जिसकी वजह से उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। आरती जी बताती हैं, मेरी बस शादी कुछ ही टाइम में होने वाली थी और वो टल गई। उन्होंने कार्तिक माह का नियम लिया हुआ था, जिसके अनुसार आरती जी पासी की एक नदी में जाकर स्नान करती और सवेरे जाकर स्नान करती और भगवान का पूजा पाठ करती। कहती अब घर में बस भाभी थी और भैया थे। माता पिता की याद आती तो भगवान का नाम जप कर दिल को शांत कर लेती। बताती है कि एक बार मैं गंगा स्नान के लिए जाने की सोच रही थी, लेकिन फिर सोचा इस बार कार्तिक माह का स्नान यहीं पे कर लेती हूँ, यहीं के पास की नदी में। शादी के बाद कभी मौका लगेगा तो ज़रूर जाऊँगी। और ऐसा सोचकर वो पासी की नदी में सुबह स्नान करने जाती हैं कार्तिक माह में, और उन्हें एक छोटे से लड्डू गोपाल मिलते हैं। कहती है पता नहीं किसने यहाँ पे लड्डू गोपाल को छोड़ दिया, और चूंकि उन्हें तो बहुत प्यारे लगते ही थे, वो लड्डू गोपाल को अपने साथ घर ले आती हैं। अपनी भाभी को दिखाती हैं तो भाभी ज़्यादा प्रसन्न नहीं होती और कहती हैं ये क्या है लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल पता नहीं किसने कैसे किस अवस्था में छोड़े होंगे और तुम ले आई। इसी घर में समस्याएँ कम हैं, अब ठीक है ले आई हो तो अभी रखो, लेकिन कल वापस नदी में प्रवाहित करके आ जाना। तो आरती जी कहती हैं कि बिन माँ की बच्ची थी मैं, अब सब कुछ भाभी के अनुसार ही होता था, ना कह सकी ना हाँ, करना तो वही था, चुपचाप रही। और कहती लेकिन उस दिन मैंने लड्डू गोपाल को अपने पास रखा, उन्हें अपने साथ रखा, और एक दिन में ना उनसे इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि अब उन्हें छोड़ पाना तो जैसे असंभव था। अब अगले दिन उनकी भाभी भी उनके साथ नदी में दीप प्रज्वलित करने गई, और भाभी के सामने जो भाभी ने कहा था वो ना करती तो कैसे होता। वो कहते हैं लड्डू गोपाल उन्होंने घाट पर रखे और वो भी चलती बनी। तभी उन्होंने पीछे से सुना अपनी आवाज़, और यहाँ पर अचंभे वाली बात थी कि उन्होंने अकेले नहीं सुनी थी, उनकी भाभी ने सुनी। उनकी भाभी ने कहा आरती तुम्हें कोई बुला रहा है? उन्होंने कहा हाँ भाभी आवाज़ तो मुझे भी आई, लेकिन इस घाट पर मुझे बुलाएगा कौन। और इसी बात को सोच के वो लोग आगे बढ़ गए, लेकिन फिर उन्हें ऐसा ही आभास हुआ कि आरती को कोई बुला रहा है। तो उनकी भाभी ने कहा नहीं आरती कोई तो है जो तुम्हें बुला रहा है। पलट के देखा तो लड्डू गोपाल का मुंह उनकी तरफ था, जो आरती खुद नदी की तरफ करके आई थी। अब आरती जी से रहा नहीं गया, वो दौड़ कर गई और उन्होंने लड्डू गोपाल को उठा लिया और कहा नहीं भाभी अब मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी, ये मेरे साथ ही रहेंगे। भाभी ने भी बात मान ली। अब जब उनकी शादी हुई तो वो जानती थी कि भगवान को अपने साथ नहीं लेके जाना है, लेकिन उनकी भाभी ने कहा कि यहाँ पर इनकी पूजा पाठ करने वाला कोई नहीं है तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ, यहाँ पे तुम बच्चों से ही बहुत व्यस्त रहती हो। तो आरती जी तो जैसे चाहती ही ये थी, वो लड्डू गोपाल को अपने साथ ले गई। लड्डू गोपाल को देखकर उनकी सास खासा प्रसन्न नहीं हुई, लेकिन उस समय बहुत से मेहमान थे तो कुछ ना बोली। उसके बाद बोली देखो बेटा लड्डू गोपाल तुम ले तो आई हो, लेकिन इनकी हम पूजा नहीं करते हैं, जब अगली बार जाओ तो अपने मम्मी पापा के घर वहाँ रखा ना। आरती जी का जैसे कलेजा बाहर आने को हो गया, लेकिन अब ससुराल में सास के नियम थे, मानने पड़ते। अब उन्होंने कुछ ना कहा। जब अपनी माँ के घर भाभी के पास गई तो भाभी से कहा कि भाभी सास ने लड्डू गोपाल लाने से मना किया है। तो उनकी भाभी कहने लगी मैं तो पहले ही कहती थी, लेकिन तुम्हें ही था लड्डू गोपाल अब तुमने रखे हैं तो तुम ही ले जाओगी, मेरे पास समय नहीं होता है। आरती लड्डू गोपाल अपने साथ ले आई। आरती के पास लड्डू गोपाल देखकर उनकी सास इस बार चिल्ला पड़ी, दरवाजे पर ही बोली तुम फिर इस मूर्ति को ले आई, तुमसे कहा था ना नहीं लाना करके। आरती जी समझ चुकी थी कि उन्हें लड्डू गोपाल नहीं पसंद, लेकिन उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल मेरे पास ही रहेंगे माँ जी, मैंने अपने कमरे में रख लेती हूँ, इनकी पूजा वहीं कर लूँगी। कहते वो तो तुमने करना ही है, मेरे पास नहीं लाना इसको, और उन्हें अपने कमरे में लेके चली गई। वहीं पे जो कुछ रूखा सूखा गुड़ चना चढ़ा पाती चढ़ाती, ऐसे ही दिन कट रहे थे। वो कहती हैं कि उनके घर पे दुकान भी है, उनके पति काम भी करते हैं नौकरी, लेकिन उनके घर पे चांदी सोने चांदी सफाई की दुकान है, और उसी दुकान में उनकी सास बैठा करती है, इस वजह से घर पर तेजाब भी रहता है।
बताती हैं कि एक बार कि उनकी सास लड्डू गोपाल को लेकर चली गई। जब आसपास लड्डू गोपाल नहीं देखे तो मेरा मन व्याकुल हुआ और उन्होंने अपनी ननद से पूछा। ननद जैसे बताना नहीं चाह रही थी लेकिन उसके मुंह से निकल गया कि हाँ हाँ लड्डू गोपाल तो मम्मी के पास हैं। और ये सुनकर आरती जी और ज़्यादा डर गई। वो भाग कर गई तो उन्होंने जो देखा वो शायद एक भयानक सपने से कम न था। उन्होंने देखा कि उनकी सास ने वही पायल सोने चांदी की साफ करने वाले तेजाब में लड्डू गोपाल को डाला हुआ है। वो दौड़ती भी गई और कहा, सासू माँ आप ये क्या कर रही हैं। और ये देखकर सास तो वहाँ से चली गई लेकिन तेजाब में उबलते हुए लड्डू गोपाल, एक भक्त पे क्या बीतती होगी ये आप समझ पा रहे होंगे। कहती मैं अपना हाथ भी नहीं डाल सकती थी और किस चीज़ से निकालती लड्डू गोपाल को। तभी मैंने आनंद वानन में कुछ ना देखा, उस पतीले को उड़का दिया और लड्डू गोपाल उसमें से निकाल ली। मेरे लड्डू गोपाल के शरीर पर अब छाले थे और मैं असहाय भक्त। मैं उन्हें अपने कमरे में ले गई और उसके बाद जब वो थोड़े से नॉर्मल हो गए तब मैंने उन पर चंदन का लेप लगाया। जगह जगह से काले पड़ गए थे और मैं उनके सामने थी जो उनके लिए कुछ ना कर सकी, लेकिन दिल अंदर से बहुत रो रहा था। जो लड्डू गोपाल की हालत मेरे पति ने देखी तो कहने लगी, वैसे तो वो कुछ कहा नहीं करते थे लेकिन उस दिन अपनी माँ पे बहुत गुस्सा हुआ कि किसी भक्त का इस तरह से मजाक उड़ाना सही नहीं है माँ, भगवान से डरो कर्मों से। तो उनकी माँ उन पर भड़क गई और कहा, वाह बेटा वाह, हो गया तू जोरू का गुलाम, अपनी माँ को सुनाने आया है। उनकी उन्होंने कहा, माँ तुमने हरकत ही ऐसी की है। लेकिन माँ जो थी वो समझने को तैयार नहीं थी और उनके मन में पश्चाताप का पोह तक ना था। आगे कहती हैं, कुछ समय आगे बीत गया। एक बार उनकी सास पायल साफ कर रही थी और तभी उनके हाथ पे तेजाब गिर गया। तेजाब गिरने की वजह से हाथ पे बहुत दर्द हुआ और बहुत चोटें भी आई। आनन फानन में अस्पताल लेके गए, हाथ में पट्टी वगैरह बांधी, लेकिन गर्मियों के दिन थे, हाथ पकना शुरू हो गया, सड़ना भी। तो डॉक्टर ने कहा हथेली काटनी पड़ेगी और फाइनली हथेली काट दी। अब लड्डू गोपाल तो वैसे के वैसे थे मगर सास का अब हाथ काम न करता। वो कहती हैं सास अब खाली बैठी रहती हैं और ये सोचती रहती हैं कि शायद ये उन्हीं के कर्मों का फल होगा, जो कि कभी कभार सच हो भी सकता है लेकिन हर बार वही हो ऐसा भी हम नहीं कह सकते। आगे आरती जी बताती हैं कि अब उनकी सास लड्डू गोपाल को मानती हैं, जब ठोकर लगती है तभी अकल आती है, लेकिन लड्डू गोपाल ने ऐसा किया वो ऐसा, लेकिन उनकी सास के साथ काफ़ी बुरा हुआ। इन्हें कर्मों का फल कह लीजिए या जो कुछ समझ ना जाए। आरती जी कहते कहते थोड़ी उदास हो गई मगर अब कहती हैं कि हमने नए लड्डू गोपाल ले लिए हैं, उन्हें पूजते हैं और मन में जो भी आस है यही कहते हैं कि भगवान अपने कर्मों का फल सबको देना मगर दुख किसी को ना देना, सबको सन्मति देना। आशा करती हूँ आज की ये सत्य घटना आरती जी के द्वारा भेजी हुई आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही सत्सत प्रसंग सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ऐसी ही घटना सबके साथ ताकि ये भक्ति और ये प्रेम बढ़ता रहे। जल्द लौटूंगी एक अच्छी सी सत्य घटना के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में और कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।